अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पहले तो सॉरी, बहुत अरसे के बाद मैं कोई रिव्यू वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ आपकी खिदमत में। मैंने व्लॉग्स बहुत ज़्यादा अपलोड किए हैं, लेकिन मैंने रिव्यू वीडियो कोई भी नहीं अपलोड की थी, तो इसलिए आज मैं एक रिव्यू वीडियो लेकर आई हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मैंने अपने एक व्लॉग में शेयर की थी ये जॉनसन्स की क्रीम और ये नेक्स्टन की क्रीम, और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि हमें ना इसका रिव्यू दें। और तकरीबन एक से 1.5 मंथ हो गया मैं इन क्रीम्स को यूज़ कर रही हूँ, तो अब फाइनली टाइम आ गया कि मैं आप लोगों को इसका ऑनेस्ट रिव्यू दूँ। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि ये किस तरह का काम करती है, इनकी प्राइस क्या है, मैंने कहाँ से ली, तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। और आप लोगों को पता है आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को देखने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को पता चलता रहे। तो चलें अब जल्दी से हम जो है वो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, ये जो ड्राई स्किन है वो बहुत बड़ा एक मसला है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि, वैसे तो अब सर्दियाँ जा रही हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सर्दियों में ही आपके फेस पे ड्राइनेस है, गर्मियों में भी फेस पे जो है वो ड्राइनेस आ जाती है। जब आप नहा के आते हैं तो ड्राइनेस आ जाती है, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन जो है वो स्मूथ रहे, तो उसके लिए जो जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई लोशन भी अप्लाई कर सकते हैं फेस पे, कोई सीरम भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप ये क्रीम्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को इसलिए इन क्रीम्स के बारे में बताऊंगी क्योंकि ये इजीली अवेलेबल हैं, पूरे जो है पाकिस्तान में इजीली ये दोनों क्रीम्स अवेलेबल हैं, इसलिए मैं आप लोगों को इसका रिव्यू दे रही हूँ, ठीक है। पहले हम शुरू करते हैं ये जॉनसन्स की क्रीम से। तो ये है जॉनसन्स की 24 आवर मॉइस्चर सॉफ्ट क्रीम, ठीक है। ये इस तरह के जो है जार में आती है, यहाँ इसकी एक्सपायरी भी लिखी हुई है। उसके बाद आपने इसको जो है वो आप इसको 12 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और खोलने पे आपको ये इस तरह की मिलती है, इस तरह ना इसके ऊपर ये एक शीट सी लगी होती है, और आपने इसको टेयर करना होता है। आप उतना टेयर करें जितनी आपने यूज़ करनी है। अब आप देख लें कि मैं तकरीबन ये क्रीम जो है वो ख़त्म कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे 1 से 1.5 महीना हो गया ये क्रीम मुसलसल यूज़ करते हैं, और मैं अपने फेस पे यही लगाती हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे जो रिव्यूज़ हैं इसके सुने थे इंटरनेट पे, बहुत ब्लॉगर्स को देखा था कि मतलब वो यूज़ कर रही थी, तो फिर मैं भी अपने लिए लाई थी ताकि मैं भी आप लोगों को बता सकूँ कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी क्रीम है। अगर आप में से किसी ने ये क्रीम यूज़ किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो लाजमी आप लोगों ने बताना है। तो ये क्रीम है, इस तरह आती है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये है इसकी कंसिस्टेंसी, इस तरह क्रीम फॉर्म में है, ज़रा भी ऑयली नहीं है, ये देखें। अब मैं आपके सामने ही लगाती रहूँगी और आपको पता चल जाएगा कि स्किन में कितनी जल्दी जाती है। अब आप देख रहे हैं ये शाइन आ रही है, यानी कि ये क्रीम है। अब आप देखिएगा, मैं इसलिए इसको रब कर रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कितनी जल्दी जो है वो स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगी, कितनी जल्दी जज्ब हो जाएगी स्किन में। ये लें जी, अब ये जो आप शाइन देख रहे हैं ये क्रीम की शाइन नहीं है, ये क्रीम अब मेरी स्किन के अंदर है इस टाइम, ठीक है। आप लोग ये शाइन देख सकते हैं और स्किन देखें कि कितनी हेल्दी लग रही है स्किन, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो है मैं डेली बेसिस पे लगा रही हूँ, मैं स्कूल जो है यही लगा के जाती हूँ, और यकीन करें मैं कोई बीबी क्रीम स्कूल के लिए नहीं लगा रही, मैं सिर्फ यही लगा रही हूँ, और मेरा जो फेस है वो ज़रा भी ब्लैक नहीं हुआ, इसने मेरे कॉम्प्लेक्शन को ज़रा भी डल नहीं किया, ठीक है। अब ये आती कितने की है, ये मैंने ली थी 400 की। अब मुख्तलिफ जगहों पर इसका रेट जो है वो मुख्तलिफ है, कभी ये सस्ती मिल जाती है, कभी ये महंगी, तो आपको 300 to 350 to 400 के दरमियान ये मिल जाएगी, ठीक है। और आपने कोशिश करना वहीं से परचेज करें जहां से आपको कंफर्म हो कि हाँ जी ये ओरिजिनल मिलेगी, ओरिजिनल हो तो लें वरना आपने नहीं लेनी। और बेस्ट क्रीम है जो इसका फॉर्मूला है वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, और ये ड्राइनेस को वाकई ही कम करता है, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो इंटरनेट पे इसके जो रिव्यूज़ हैं वो भरे पड़े हैं, तो आप लोग वो भी चेक कर सकते हैं। ये हो गया, मेरी मोस्ट फेवरेट ये है, मैं सिर्फ अपने फेस पर ये लगाती हूँ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्टन की इस फेयरनेस सॉफ्ट क्रीम के बारे में के ऊपर। तो ये है नेक्स्टन की फेयरनेस सॉफ्ट क्रीम, ये करती है नरिशिज, रिफ्रेश द स्किन, क्विकली ऑब्जॉर्ब, और वाकई ये क्विकली ऑब्जॉर्ब हो जाती है आपकी स्किन में, ठीक है। ये भी इसी तरह के जैसे जॉनसन की क्रीम आती है जार में, ये भी इसी तरह सेम जार में आती है, और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है।
अब आप चाहें तो आप इसको फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको अपने हाथों पे यूज़ कर सकते हैं, अपने पाँव पे यूज़ कर सकते हैं। इसकी ये जो है ब्रांड स्टोरी लिखी हुई है, साथ में डायरेक्शन है, इंग्रेडिएंट्स हैं, वार्निंग है, उसके बाद बैग इसकी जो नीचे बॉटम है उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ। अब ये क्रीम जो है मैं यूज़ करती हूँ, ये क्रीम यूज़ करती हूँ जस्ट अपने हाथों और पाँव के लिए, मैं फेस पे ये क्रीम नहीं लगाती, जबकि फेस के लिए बहुत अच्छी है। भाई लोग जो हैं वो ये फेस पे भी लगा रहे हैं तो उनकी जो स्किन है वो भी ख़राब नहीं। मैं जॉनसन्स की इसलिए लगाती हूँ फेस पे क्योंकि ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है फेस पे लगाने के लिए। ये हो गया, अब इसको ओपन करके मैं आपको दिखा देती हूँ, तो आप देख लें कि इतना बड़ा टब सा है, इतना बड़ा जार है, तो ये बिल्कुल यहाँ तक फुल आता है, ठीक है। और इसको कवर करने के लिए इसके ऊपर एक प्लास्टिक का जो लिड है वो होता है, आपने उसको ओपन करना होता है फिर आप यूज़ कर सकते हैं। वो मैंने हटा दी क्योंकि बार बार यूज़ करनी होती है, तो फिर बार बार यूज़ करने के लिए ना बार बार उसको हटाना पड़ता है तो मुश्किल होती थी, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया। इसका जो टेक्सचर है ये भी बहुत ज़्यादा क्रीमी है, और मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। ये देखें, ये मैंने ली, बल्कि मैं थोड़ी सी बिल्कुल लेती हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने लगाई, अब आप देखिएगा, ठीक है, ये देखें, ये मेरी स्किन में इस टाइम बिल्कुल जज्ब हो चुकी है, कोई ऊपर नहीं है। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये क्रीम लगाने से आपकी जो है स्किन में, मतलब कुछ क्रीम्स होती हैं, आप लोग मुझसे मे भी एग्री करें कि कुछ क्रीम्स होती हैं जिनको लगाने से स्किन बहुत ज़्यादा मतलब जलन सी होना शुरू हो जाती है, जलन इस तरह की, हाथों से गर्मी निकलना शुरू हो जाती है। तो इस क्रीम के लगाने से, इस क्रीम को भी और जॉनसन्स के लगाने से आपको जो है वो मतलब आग सी जो निकलती है, मतलब हीट निकलती है, वो बिल्कुल भी निकलेगी नहीं निकलेगी। और ये गर्मियों के लिए ये फॉर्मूला दोनों क्रीम्स का बेस्ट है। अब ये कितने की मिलेगी, मिली थी मुझे, हालांकि आप देख लें कि इसका साइज़ डबल है, ये छोटी है, ये मुझे तकरीबन 400 की ली थी मैंने, और ये मुझे सिर्फ मिली थी 300 की। अब यकीन करें 300 में इतना बड़ा। तो ये था मेरा फाइनल रिव्यू, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और हाँ जी, ये आपको किसी भी लोकल स्टोर से मिल जाएंगी ये दोनों क्रीमें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।